पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ये इशू है कि टैक्स कलेक्शन में इजाफा क्यों नहीं हो पा रहा, ये टैक्स जीडीपी क्यों नहीं कर पा रहा जी। इसमें बेसिक वजह डॉक्यूमेंटेशन है। हमारा अभी तक पूरा इंटीग्रेशन नहीं हुई है डिपार्टमेंट की, और ना डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, तो जिसकी वजह से ये हमें मसाइल फेस करने पड़ते हैं। तो कलेक्शन अभी अगर आप देखें जो लास्ट 6 महीने हैं उसमें अगर आप देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि क्योंकि गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी की तरफ गई है तो इससे टैक्स जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ा है, और जो है जो अदाव एफबीआर ने उम्मीद करने थे उससे ज़्यादा उन्होंने कलेक्शन किया है। एफबीआर के मुलाजमीन तो खुद टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं करते और वो टैक्स कलेक्शन के ऊपर बैठे हुए हैं, तो इस हवाले से आपका क्या मौका? ये तो बहुत ही बड़ा एक अफसोसनाक अमल है जो कि जिसको हमने ही हाईलाइट किया था कि क्योंकि ये खबर आई थी कि जी एफबीआर के एम्प्लॉयज जो हैं वो अपना टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं, तो ये तो चराग तले अंधेरे वाली बात है और लोगों के लिए मतलब एफबीआर के लिए काफी काबिल सताइश। और मेरे ख्याल में अब अगर वो नहीं भी फाइल हुए हैं और अब अगर फाइल हो गए तो एफबीआर को उसको अपनी वेब पोर्टल पर दिखाना चाहिए या बताना चाहिए लोगों को, मीडिया को बुला के, कि भाई जी 100% लोग टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अदरवाइज ये शक और इबहाम हमेशा रहेगा, जिससे जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बढ़ता ही रहेगा, और लोग जो हैं जो नॉन फाइलर हैं उनको इस बात से वो कभी होते हैं उनको बड़ी स्ट्रेंथ मिलती है इस तरह की खबरों से। अच्छा ये बताएं कि कौन कौन से इदारे इस वक्त टैक्स चोरी कर रहे हैं पाकिस्तान में? देखिए इदारों की जहाँ तक बात है ना, इदारे टैक्स कोई भी चोरी नहीं कर रहे हैं। कौन कौन से सेक्टर्स में टैक्स चोरी हो रही है? हाँ अगर आप ये देखें ना तो सबसे ज्यादा जो ट्रेड है ना पाकिस्तान में, वो ट्रेड जो है ना वो डॉक्यूमेंट नहीं है। आपको अगर याद हो तो पॉइंट ऑफ सेल का एक बहुत बड़ा स्कीम आई थी 1 साल पहले जिसको जो है कि इंप्लीमेंट करने के लिए बड़ा ह्यूमन ट्राई हुआ था। ट्रेडर्स को डॉक्यूमेंट होने की जरूरत है। और दूसरा सेक्टर है एग्रीकल्चर, जहाँ पे आपको अभी तक पता नहीं है कि वो कितना रेवेन्यू आता है, कितना वहाँ पे कितना कलेक्शन हो सकता है, जबकि अगर आप देखें कि एग्रीकल्चर का जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो 20-21% है लेकिन टैक्स कंट्रीब्यूशन 1% है।